अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 21x प्लस 20 रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को px के बराबर ले लिया, तमाम पॉसिबल फैक्टर्स जो 20 के हो सकते थे वो हमने लिख दिए। उसके बाद हमें ऐसा नंबर पुट करना होता है कि इक्वेशन जीरो के बराबर आ जाए। तो हमने x की जगह 1 पुट किया, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 और 21, 1 से 21 और 20, 20 प्लस 1 21, 21 माइनस 21 तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू, हमने 1 पुट किया था तो 1 यहाँ के माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस 1 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे x माइनस 1 लिख दिया, यहाँ पे x क्यूब माइनस 21x प्लस 20 हो जाएगा। अब x है या x क्यूब है तो एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर वन जाए एक्स मिल के एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वन जाए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का बच गया, यहाँ से 21x बच गया और यहाँ से 20 बच गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक एक्स की कमी है तो हमने एक एक्स लिख दिया, एक्स और एक्स मिल के हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स वन जाए एक्स हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 21 में से 1 गया तो 20 बच जाएगा और साइन बढ़ेगा आएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस भी चाहिए और 20 भी चाहिए ताकि माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स मिल के माइनस 20x हो जाए, और माइनस माइनस प्लस 21 से 20, अब ये साइन चेंज हो जाते हैं, 20 से 20 कट गया, ये भी कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढना जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 20 आए और ऐड करने पे 1 आए, तो 5 4 था 20 होता है, और 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो x प्लस 5 आ जाएगा, 4 कॉमन लूँगा तो x प्लस 5 आ जाएगा। सेम ब्रैकेट एक बार आता है, बाहर वाले दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, ये दो ब्रैकेट इसके आए और x माइनस 1 भी पहले लिखा हुआ था, तो आखिर में फाइनल आंसर लिख देंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 5 और x माइनस 4। ये हमारे तीन आंसर है रिमाइंडर थ्योरम से इस इक्वेशन के।